इंग्लिश में लेक्चरशिप के इंटरव्यू के लिए 92 क्वेश्चंस की एक सीरीज़ है और फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओनली 92 क्वेश्चंस, उनमें से आज हम पहले 15 क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चाहे लेक्चरशिप इंग्लिश के लिए हो या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंग्लिश हो या आप फेडरल में लेक्चरशिप के लिए इंटरव्यू के लिए जाएं या असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंग्लिश का इंटरव्यू हो, तो फ्रीक्वेंटली यही 92 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनकी सीरीज का एक आगाज़ किया जा रहा है। उनमें से फर्स्ट 15 क्वेश्चन जो हैं अबाउट जेफ्रे चौसर, उन 15 क्वेश्चंस को, शॉर्ट क्वेश्चंस को आज हम देखेंगे जो सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके इंटरव्यू में किए जाते हैं। इन क्वेश्चन से बाहर क्वेश्चन नहीं जाता, और अगर आप ये 92 क्वेश्चन कर लेते हैं जिनमें से आज 15 हमने डिस्कस करने हैं, तो अगर कोई क्वेश्चन और आ भी जाए तो वो ट्विस्ट होके आएगा और वो आप इन्हीं 92 क्वेश्चन से निकाल सकते हैं। लेक्चरशिप के लिए, एसएस के लिए या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू को क्लियर करना एक एनिग्मेटिक इशू है, एक प्रॉब्लम है। तो होपफुल इन 15 क्वेश्चंस को और इनके अलावा जो सीरीज में आएंगे क्वेश्चन या इन 92 क्वेश्चन पूरे किए जाएंगे, उनको मेमोराइज करने के बाद किसी भी कैंडिडेट के लिए टू अ लार्ज एक्सटेंट इट बिकम क्वाइट पॉसिबल टू अचीव गुड नंबर्स इन इंटरव्यू फॉर लेक्चरशिप इन इंग्लिश। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ हम चौसर को डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्टली जेफ्रे चौसर का, शॉर्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो अमूमी तौर पे इंटरव्यू में पूछा जाता है वो है, व्हाट वाज द स्टेट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन द एज ऑफ चौसर? तो इसका आंसर देखें, इंग्लिश इन द एज ऑफ चौसर वाज स्टिल इन इट्स इन्फेंसी, स्टम्बलिंग एंड क्रॉलिंग। इट वाज चौसर हु शिफ्टेड इट फ्रॉम अ डायलेक्ट इनटू द लेवल ऑफ अ लैंग्वेज। इन दिस रिस्पेक्ट वी कैन से अबाउट चौसर क्वाइट कॉन्फिडेंटली दैट फादर ऑफ वर्स हु इन हिज इमॉर्टल सॉन्ग फर्स्ट टॉट द म्यूज टू स्पीक द इंग्लिश टॉन्ग। द इंग्लिश लैंग्वेज वॉज डिवाइडेड इन टू अ नंबर ऑफ डायलैक्ट्स विच वर इम्प्लॉयड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। द फोर ऑफ दैम वास्टली मोर प्रोमिनेंट दैन द अदर्स वर, द साउदर्न डायलैक्ट, द मिडलैंड डायलैक्ट, द नॉर्दर्न डायलैक्ट, द कैंटिश डायलैक्ट। आउट ऑफ दिस फोर, द मिडलैंड और द ईस्ट मिडलैंड डायलैक्ट विच वॉज स्पोकन इन लंदन एंड इट्स सराउंडिंग एरिया वॉज द सिंपलेस्ट इन ग्रामर एंड सेंटेक्स। चौसर फाउंड हिज इंग्लिश आ डायलैक्ट एंड लेफ्ट इट आ लैंग्वेज। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये आखिरी, कि चौसर फाउंड हिज इंग्लिश आ डायलैक्ट एंड लेफ्ट इट आ लैंग्वेज। ये चौसर का ग्रेट कंट्रीब्यूशन है इंग्लिश लैंग्वेज को डायलैक्ट से लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म करने में। डायलैक्ट कहते हैं किसी छोटे इलाके में बोले जाने वाली मुकामी बोली को। तो ये तकरीबन 30 किलोमीटर के बाद थोड़े बहुत लफ्ज़ तब्दील हो जाते हैं। तो चौसर जो था उसने इंग्लिश डायलैक्ट को इंग्लिश लैंग्वेज का दर्जा दिया, तो उसकी जो हालत थी लैंग्वेज की चौसर के दौर में वो एक डायलैक्ट की थी। आगे बढ़ते हैं और सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इंटरव्यू में पूछा जाता है वो है, व्हाट वर द रिलीजियस एंड सोशल कंडीशंस इन द एज ऑफ चौसर? मजहबी तौर पे और समाजी तौर पे चौसर के दौर में हालात कैसे थे? कैंटरबरी टेल के अकॉर्डिंग द सोशल एंड रिलीजियस कंडीशंस इन द एज ऑफ चौसर वर रियली लाइक अ प्लेग ऑन सोसाइटी। ऐसे हालात थे कि जैसे मुआशरे पे कोई ताउन की बीमारी फैली हुई हो, ये मजहबी लिहाज से। वी कैन सी इन द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स दैट ऑल द करेक्टर्स रिप्री ऑल द करेक्टर्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द चर्च ऑफ दैट एज वर मॉरली करप्ट। चर्च से रिलेटेड जितने भी किरदार हैं वो हमें इखलाकी तौर पे करप्ट नजर आते हैं,
जिनमें द मंक, द हॉर्स राइडर, द हंटर, ही वॉज लाइक अ फिश आउट ऑफ वॉटर इन द चर्च एंड ही फेल्ट वेरी हैप्पी वेन ही वॉज हैविंग फन। तो ये मजहबी किरदारों की करेक्टरिस्टिक है कि चर्च में वो अपने आप को फील करता था लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, जहाँ के उसे रहना चाहिए था। और उसके शौक क्या थे? हॉर्स राइडिंग और हंटिंग, जो उसको नहीं करना चाहिए था। लाइकवाइज प्रायरेस, तो ये भी एक फेमस करेक्टर है। प्रायरेस से शी फेल्ट सैड एंड शी वॉज एट द वर्ज ऑफ टीयर्स फॉर हर लैप डॉग्स। तो अपने कुत्तों के लिए उसे बड़ा रोना आता था। बट नॉट सिंपैथेटिक टू वर्ड्स ह्यूमैनिटी, इंसानों पे उसको कोई रहम नहीं आता था। मोस्ट ऑफ द क्लर्जी वर डीजनरेटेड एंड पैरासाइट्स इन द वर्ड्स ऑफ पार्सन। बड़ी प्यारी लाइन पार्सन ने कही और मशहूर जमाना लाइन है चौसरे की, ये इफ गोल्ड रस्ट व्हाट शेल आयरन डू। अगर सोने को जंग लग गया तो लोहा क्या करेगा? यानी अगर बड़े लोग यह करने लग गए तो छोटे क्या करेंगे? और समाजी लिहाज से, सोशल लिहाज से अगर हम देखें, द सोशल करेक्टर्स लाइक वाइफ ऑफ बाथ, द डॉक्टर, द मैन ऑफ लॉ, दे ऑल्सो कैन नॉट बी आइडियलाइज्ड। तो सोशल कंडीशन, रिलीजियस कंडीशन, वो दोनों को ही आइडियलाइज नहीं किया जा सकता। तीसरा क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन, चौसर की एज से रिलेटेड है और ये पूछ लिया जाता है ये भी क्वेश्चन। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ लैंग लैंड एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज एज? चौसर का कंटेम्प्रेरी है। ऑल द राइटर्स ऑफ हिज एज रिवील सम एस्पेक्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी लाइफ एंड ऑफ प्रिवेलिंग फीलिंग एंड थॉट। लैंगलैंड गिव्स एक्सप्रेशन टू द एंगर विच वॉज थ्रेटनिंग द अब्यूज ऑफ गवर्नमेंट एंड द विसेज ऑफ द क्लर्जी। तो लैंगलैंड ने भी यही काम किया, उसने चर्च की बुराइयों को, विसेज ऑफ द क्लर्जी, उनको एक्सपोज किया है। और ही इज इसेंशली अ रिफॉर्मर, इंडिग्नेंट एट द डीजनरेट क्रिश्चियनिटी। इंडिग्नेंट, गुस्से में होना, डीजनरेट क्रिश्चियनिटी, मॉरली करप्ट क्रिश्चियनिटी ऑफ हिज सेंचुरी। लैंगलैंड अपोजिज द प्रैक्टिस ऑफ द टाइम। द स्पिरिट ऑफ स्टाइर इज रिफ्लेक्टेड इन हिज पोएम्स, स्पेशली इन हिज पेयर द प्लोमैन। ये उसकी मशहूर नज़म है, उसकी बुक ये नीचे दिखाई गई है। एंड इज अकम्पनाइड एंड डायरेक्टेड बाई एन इंटेंस रिलीजियस फ्रिवर। तो लैंगलैंड में और चौसर में एक चीज़ जो कॉमन है वो ये है कि दोनों ही क्लर्जी के बहुत ज़्यादा खिलाफ थे, उनकी मॉरल करप्शन की वजह से। फोर्थ क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो है लेक्चरशिप के इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर ये पूछा जाता है। इन हाउ मैनी स्टेजेस चौसरियन पोएम्स आर डिवाइडेड। कितने हिस्से में चौसर की जो नज़में लिखी हुई हैं उनको डिवाइड किया जाता है। इट इज़ नाउ कस्टमरी टू डिवाइड द चौसरियन पोएम्स इंटू थ्री स्टेजेस। और थ्री स्टेजेस कौन सी हैं? द फ्रेंच, अंडर द फ्रेंच इन्फ्लुएंस चौसर अटेम्प्टेड द फॉलोइंग वर्क। पहला जो चौसर के ऊपर असर है वो फ्रेंच का है। तो फ्रेंच के जेर असर उसने कौन सी किताबें लिखी, कौन सी पोइम्स लिखी? बुक ऑफ द डचेज, ये एक बुक उसने लिखी, पोइम लिखी। रिमाउंट ऑफ द रोजेज, ये किताब लिखी, पोइम लिखी। और इटालियन इन्फ्लुएंस में द हाउस ऑफ फेम, पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, ये किताबें दिखाई गई हैं साथ साथ। और इंग्लिश इन्फ्लुएंस में, जाहिर है उसकी अपनी लैंग्वेज है, उसमें उसने एक ही किताब लिखी है, द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स। तीन हिस्सों में डिवाइड किया जाता है उसकी नज़मों को और ये पांच नज़में बनती हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ विल यू कमेंट अपॉन द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स। ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। द कैंटरबरी टेल्स इज मार्क्ड बाय अ मिस्ट्री ऑफ वर्सिफिकेशन, मास्टरी ऑफ फ्रेज, नरेटिव पावर एंड ह्यूमर। बिसाइड्स इट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव पोइम ऑफ दिस पीरियड विच इट मिरर्स ब्यूटिफुली। अपने दौर को मिरर करती है, दिखाती है अपने दौर को ये किताब, ये नज़म। एवरी क्लास ऑफ पीपल आर रिप्रेजेंटेड एक्सेप्ट द वेरी हाइस्ट एंड वेरी लोएस्ट। ऑल द करेक्टर्स आर ऑफ एक्चुअल टाइप स्टडीड फ्रॉम लाइफ। तमाम किरदार जो हैं वो आम जिंदगी से लिए गए हैं, करेक्टर जो हैं वो ब्लड एंड ब्रेथ के हैं।
सिक्स क्वेश्चन को आगे देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन है। ये बड़े शॉर्ट से क्वेश्चन है, इनको याद करना आसान है ताकि कुछ तैयारी हो जाती है बंदे की इंटरव्यू के लिए। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखें, व्हाट वाज द प्लान ऑफ द कैंटरबरी टेल्स, प्लान क्या था। पहले सुन लें इसको, प्लान क्या था कि प्लान उनका ये था कि वो सफ़र पर जा रहे हैं और एक दूसरे को एंटरटेन करने के लिए दे विल टेल सम स्टोरीज टू देयर फेलोज। द ओरिजिनल प्लान वॉज दैट ईच मेंबर ऑफ द कंपनी शुड टेल टू टेल्स ऑन द वे टू कैंटरबरी एंड टू मोर ऑन द वे बैक। दिस मेंट दैट इन ऑल अबाउट 120 टेल्स वुड बी टोल्ड बाय द 30 और सो पिलग्रिम्स। यानी अप्रॉक्सीमेटली 30-31 के करीब इसमें किरदार हैं। अगर 30 किरदार जो है वो जाते हुए हर बंदा दो कहानियां सुनाएगा तो 60 हो जाएंगी, आते हुए फिर दो सुनाएगा तो 120 हो जाएंगी। ये प्लान था इसका। देर आर हाउ एवर ओनली 24 टेल्स और फ्रेगमेंट्स ऑफ टेल्स। दिस इज क्लियर फ्रॉम द वर्ड्स ऑफ द होस्ट ऑन टू और थ्री ओकेजन्स। वो क्या कहता है, दस ही रिमाइंड द फ्रेंकलिन that at least a tale or two is expected from him. अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। How prologue to the Canterbury Tales is the picture of the 14th century. Chaucer's Pilgrim band represents almost every class of society in the 14th century. सारे लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं ये जो उसका पिलग्रिम बैंड था। ऑल दोज हु मेक अप द एसेंशियल बेसिस ऑफ द सोशल ऑर्गेनिज्म आर देयर। जिन लोगों से मिलके सारा मुआशरा बनता है वो तकरीबन वहाँ उनके नुमाइंदे मौजूद थे, एक एक नुमाइंदा मौजूद था। द प्रोलॉग हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ पिक्चर गैलरी विद ऑल द लाइफ एंड मूवमेंट लाइक हेनरी जेम्स। चौसर सीम्स टू हैव कॉपीड एवरीथिंग फ्रॉम द बुक ऑफ नेचर। तो चौसर ने रियलिटी को, अपने दौर की हकीकत को बयान किया है। तो ये कैंटरबरी टेल की इंपॉर्टेंस है, 14 सेंचुरी का मिरर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर एट आसान भी है मुश्किल भी है। इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट करेक्टर्स के नाम याद रखने हैं, इतना कोई मुश्किल ये नहीं है। जिसने प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल को टेक्स्ट को पढ़ा हुआ है, क्वेश्चन वगैरह किए हुए हैं, उसको तकरीबन पता ही होते हैं नाम, 10-15 नाम याद हो जाए काफ़ी हैं ये। तो नेम द इम्पॉर्टेंट करेक्टर्स ऑफ द कैंटरबरी टेल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल कम्स द नाइट फ्रेश फ्रॉम द होली वॉर। अभी अभी जंग से आता है वो और सफ़र पर रवा दवा है वो भी कैंटरबरी टेल्स में सेंट थॉमस बैकेट की श्राइन की तरफ। देन कम्स हिज सन द स्क्वायर, अ डैशिंग यंग मैन, हैंडसम एंड फैशनेबल। अच्छा, हर किरदार के साथ उसकी एडजेक्टिव्स कुछ बयान किए जा रहे हैं ताकि उनको याद रखना आसान हो जाए। करेक्टरिस्टिक्स, उनके एट्रीब्यूट्स बयान किए जा रहे हैं। एंड देयर अटेंडेंट, अटेंडेंट कौन है, द ह्यूमैन ड्रेस्ड इन लिंकन ग्रीन। द चर्च इज रिप्रेजेंटेड बाय डेंटी एंड एरिस्टोक्रेटिक मैडम एग्लेंटाइन। मैडम एग्लेंटाइन यानी प्रायरेस की बात की जा रही है। एंड हर फेलो नन। There is also the undisciplined and grosser monk, the jovial friar, the sumner and the pardoner, who are parasites of the church. Last of all, there is the poor and virtuous parson. एक एक बेचारा किरदार इनमें कुछ idolize करने के काबिल है, वो parson है, who with his earnestness and true goodness redeems the cause of religion. The doctor, the man of law, the clerk of Oxenford and Chaucer himself represent the intellectual profession. Commerce is represented by the merchant and the sailor. The woman of the world has her spokesman in the outstanding figures of them all, the immortal wife of Bath. So, profession ke lihaz se character divide kiye jayenge to aasani se yaad ho jate hain. अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ चौसर कैन बी कॉल्ड अ ग्रेट स्टोरी टेलर। चौसर इज द ग्रेटेस्ट स्टोरी टेलर इन वर्स अकॉर्डिंग टू लॉल। ही इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स 3 or 4 स्टोरी टेलर्स। ही इज सेकंड टू नो इंग्लिश पोएट इन द आर्ट ऑफ नरेशन। अदर राइटर्स हैव ग्रेटर मोमेंट्स but none such even excellence.
He can tell a realistic or a romantic tale with the same skill and success. The Canterbury Tales were originally designed to beguile the time, and their power to do so is unimpaired to this day. The invention of a story, in a sense, belongs to the man who tells it best. Bahut important hai aakhri line. कि द इन्वेंशन ऑफ अ स्टोरी इन अ सेंस बिलोंग्स टू द मैन हु टेल्स इट बेस्ट. लिखी कहानी चाहे जिसने मर्जी हो, जो कहानी को बयान अच्छे तरीके से कर गया, कहानी उसकी है. और ये बात शेक्सपियर पे आती है. उसने सारे ड्रामे कई कॉपी किए हुए हैं, लेकिन शेक्सपियर का नाम है. अंदाज़े बयान देखा जाता है. गालिब के बारे में है कि हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयान. और अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 कौन सा है? हाउ विल यू कंपेयर चॉसर्स आर्ट ऑफ नरेशन विद दैट ऑफ शेक्सपियर? लाइक शेक्सपियर, चॉसर हैज टेकन हिज रॉ मटेरियल फ्रॉम मेनी डिफरेंट सोर्सेज. द रेंज ऑफ हिज रीडिंग एंड हिज क्विक आई फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग वुड इनेबल हिम टू सर्च द वेरियस सोर्स फॉर बिल्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ हिज टेल्स. शेक्सपियर में और चौसर में एक चीज़ बहुत कॉमन है, और वो है कीन ऑब्जर्वेशन और आम सोसाइटी से किरदारों को उठाना. ही कीप्स इन व्यू ऑल सॉर्ट ऑफ लिटरेचर, लैटिन, फ्रेंच एंड इटालियन. इसकी हम पहले बात कर चुके हैं कि कौन कौन से इन्फ्लुएंसेस चौसर पे थे. अंडर कंट्रीब्यूशन, बट वट एवर ही बोरोज ही मेक्स इंटायरली हिज ओन. ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है जो शेक्सपियर को और जेफर चौसर को करीब करती है, कि वट एवर ही बोरोज, जो चीज़ भी उसने दूसरे किसी लिटरेचर से उधार ली है, ही मेक्स इंटायरली हिज ओन. उसका इस्तेमाल उसने ऐसा किया है कि वो लोग रीडर एक दफ़ा भूल गए हैं कि ये किसी और लिटरेचर का हिस्सा थी या किसी और की कही हुई बात थी. वो बात शेक्सपियर की अपनी बात बन गई है. इसी तरह से ये चौसर के साथ भी यही मामला है. यानी वही अंदाजे बयां वाली बात आ जाती है. जो अच्छे तरीके से बयान कर गया, जुमला उसी का है, कोई लिखी हुई चीज़ उसी की है. Chaucer and Shakespeare transform dull chronicles, legends and stupid tales into literary gems sparkling with animations and realism. यही इनकी एक खूबी है कि पुरानी चीज़ों को उठाकर उन्होंने ऐसा पॉलिश करके पेश किया कि वो चौसर की होकर रह गई और शेक्सपियर की होकर रह गई. एंड invested विद द डीपेस्ट ह्यूमन इंटरेस्ट, द ओरिजिनल स्टोरी इज नॉट मेरली ट्रांसलेटेड, इट इज कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड. इंपॉर्टेंट लाइन है ये आखिरी भी. अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. हाउ चौसर इज अ रियलिस्ट? इस पे पहले भी तकरीबन बातें हो चुकी हैं कि सारी सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा है. इसको पढ़ लेते हैं एक दफ़ा. चौसर वॉज अ कॉन्शियस आर्टिस्ट एंड एज सच ही ट्राइड हिज लेवल बेस्ट टू शिफ्ट द फोकस ऑफ हिज नेटिव लिटरेचर from the world of fantasy and romance to the republic of reality or actual life. ये चौसर का काम है कि उसने आम जो जिंदगी थी उसको बयान किया है, ना कि वो तखयलात में रोमांस में पड़ा रहा है. ही डेलिनेटेड द डेलिनेटेड बयान करना, डिस्क्राइब करना. ही डेलिनेटेड द फिगर्स ऑफ ब्लड एंड डेथ. ही डिड नॉट गो टू द फेरी लैंड टू रिलेट द टेल्स ऑफ मैजिक. द ओनली मैजिक ही हैड was the magic of common human life. Matthew Arnold is rightly of the opinion that with him is born our real poetry. Bahut important line hai. He certainly put a mirror before the contemporary English society and revealed its various spectra and shades in a diligent manner. In this way we can call Chaucer a realist. Next question pe chalte hain. Next question bahut important hai. What will you say about Chaucer's humor? Chaucer says she was a worthy woman all her life. Husbands at church door she had five. तो ये बड़ी famous, एक well known मशहूर ज़माना couplet है. Wife of Bath के बारे में है कि पांच खामंद उसके पहले थे और sixth के लिए वो चर्च में दुआ करने के लिए पहुंची हुई थी. तो ये चौसर का स्टाइल ऑफ ह्यूमर है. फ्रॉम दिस वी कैन गेस हिज स्टाइल ऑफ मेकिंग ह्यूमर एंड स्टायर. तंज भी है, ह्यूमर भी है. चौसर इज कॉल्ड
द फर्स्ट एंड ग्रेटेस्ट कॉमिक पोएट इन इंग्लिश लिटरेचर, पहला मजाहिया शायर है। चौसर कंसील्स द स्टिंग ऑफ बिटरनेस, लेकिन ऐसे बयान करता है कि बिटरनेस जो है वो बिटरनेस नहीं लगती, यूफमिज्म से काम लेता है। चौसर हैज़ अ ग्रेट वराइटी ऑफ ह्यूमर एंड एट टाइम्स इट इज़ सो क्लॉग्ड, क्लॉग्ड छुपी हुई है, दैट वी हैव टू मेक अ रियल एफर्ट टू डिसर्न इट व्हेन ही सेज द नाइट, नाइट पे तंज करते हुए मजाक देखें उसका कैसा है, ह्यूमर कैसा है। एट मॉर्टल बैटल हैड ही बिन 15, कि खतरनाक जंगें 15 उसने लड़ी, और मजाल है इस बंदे को कोई जख्म भी आया हो। ये चौसर का ह्यूमर है। ऑफ द वाइफ ऑफ बाथ ही सेज शी वॉज वर्दी वुमेन दो वेन एंड डेफ। वर्दी वुमेन थी, मुस्तिक औरत थी शादी के लिए, और उसको कानों से कम सुनता था, बहरी थी। और उसके साथ साथ देखिए चौसर ने क्या खूब बयान किया है कि बहरी होने के साथ साथ मगरूर भी थी। पांच हस्बैंड उसके पहले हैं, छठे के लिए दुआ कर रही है, शायद इसलिए पहले पांचों की बात ही नहीं सुनी उसने। तो एंड शी वॉन्टेड टू बी द फर्स्ट एट द चर्च ऑल्टर, तो चर्च में वो सबसे पहले जाती थी, कोई कुर्बानी अगर देनी होती थी तो इसमें भी वो अपना चाहती थी कि उसका नाम हो सोसाइटी में, कोई उससे पहले ऑल्टर ना पहुंच जाए। क्लर्क्स डिस्क्रिप्शन इज ऑल्सो इंडिकेटिव ऑफ चौसर स्लाई ह्यूमर, हल्का सा उसका ह्यूमर। व्हेन ही सेज ही वॉज अ बुक वर्म डाइवोर्ज्ड फ्रॉम द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड, द फिजिकल अपेयरेंस ऑफ द मिलर इज अम्यूजिंग, ही हैज बिग एंड लॉन्ग नॉस्ट्रल्स एंड बिग फर्नेस लाइक माउथ, बड़ी जलती भट्टी के जैसा मुंह है उसका। द मैंसिपल इवन आउट विटेड द लॉ स्टूडेंट्स, तो मैंसिपल जो अनपढ़ बंदा था वो लॉ के स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज कर देता था, वो परेशान हो जाते थे कि ये कोई क्या बात बयान कर रहा है। और अक्सर ऐसे बंदे आपको सोसाइटी में मिलेंगे। चौसर इज नॉट अ ह्यूमरिस्ट बट अ ह्यूमनिस्ट, बहुत अच्छी लाइन है ये, नॉट अ ह्यूमरिस्ट बट अ ह्यूमनिस्ट, बिकॉज ही इवन ट्राई टू मेक अस लाफ व्हेन ही सेज टू द रीडर माई विट इज शॉर्ट यू मे वेल अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे चौसर देखें अपनी इंसल्ट करके अपनी कॉस्ट पर रीडर को हंसाने की कोशिश कर रहा है कि जनाब मेरी अकल तो कम है, यू मे वेल अंडरस्टैंड। तो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन 13 कौन सा है? 13 क्वेश्चन है जी, चौसर इज द इवनिंग स्टार ऑफ द मिडिएवल एंड द मॉर्निंग स्टार ऑफ द रिनाइसेंस। इवनिंग स्टार है मिडिएवल का, शाम का सितारा है, और रिनाइसेंस का मॉर्निंग स्टार है। दो दो अदवार में चौसर में मिलता है, मिडिएवल टाइम्स में, रिनाइसेंस में। चौसर इज द लास्ट ऑफ द मिडिएवल्स, तो मिडिएवल्स के जितने राइटर थे उनमें से ये आखिरी था, एंड ही इज द फर्स्ट ऑफ द मॉडर्न, और जो रिनाइसेंस के मॉडर्न दौर के राइटर थे उनमें से पहला था। ड्राइडन डिस्क्राइब्स हिम एज द फादर ऑफ द इंग्लिश पोइट्री, तो ये ड्राइडन ने उसे कहा है, ये चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री अक्सर बड़ी मशहूर ये बात है, तो कहा किसने? ड्राइडन ने। अकॉर्डिंग टू मैथ्यू आर्नल्ड विद हिम इज बोर्न आवर रियल पोइट्री, हिज पोएट्री कंटेन्स ऑल द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न एरा, द इम्प्रेशन वी गेन ऑफ चौसर फ्रॉम द कैंटरबरी टेल्स इज पर्टिकुलर इन पर्टिकुलर इज ऑफ अ मैन फुल ऑफ इंटरेस्ट इन लाइफ एट होम इन ऑल कंपनीज, अ गुड जज ऑफ ह्यूमन नेचर बट अ टॉलरेंट वन, अ कीन ऑब्जर्वर, अ जीनियल एंड ह्यूमरस कंपेनियन, रीडर रेडियर टू लिसन दैन टू टॉक, वन हु लव्स अ गोल्ड लॉफ दो ही हैज सटली इरोनिकल स्माइल एज वेल एज वन हु वाइल रेडी टू बी सीरियस आर्टिस्ट हिज आउटस्टैंडिंग क्वालिटीज आर हिज एक्सीलेंस इन करेक्टराइजेशन डिस्क्रिप्शन एंड नैरेटिव, हिज ह्यूमर एंड हिज स्किलफुल वर्सिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 14 पे चलते हैं आगे। क्वेश्चन बड़ा ये शॉर्ट सा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। वट आर द कॉज ऑफ ड्रामा डेवलपमेंट आफ्टर चौसर? चौसर मर गया, उसके बाद ड्रामा का अरूज हुआ, चौसर तक शायरी का अरूज रहा, क्या मसला हुआ, देखते हैं इसके आंसर में। द पॉपुलैरिटी फॉर द रोमांस वॉज ऑलमोस्ट गोन इन द 15th सेंचुरी, रोमांस में लोगों का इंटरेस्ट नहीं रहा था, ज़्यादातर पोइट्री इसमें की जाती थी, तो चौसर अकेला तो पोइट्री को कायम नहीं रख सकता था ना, बाकी भी उसके कंटेम्प्रेरीज थे जो चौसर के जैसा नहीं लिख रहे थे। द न्यू थीम सूटेड टू द न्यू पब्लिक वर बींग इंट्रोड्यूस्ड, नई आवाम, नए थीम, नया योनरा, और वो ड्रामा द प्रोफेशनल एक्टर
एंड द प्ले राइट ओइंग टू द रॉयल डिमांड फॉर देयर सर्विस फॉर मेकिंग देयर अपेयरेंस। तो बदलते दौर के बदलते तकाजे, पोइट्री के बाद, चौसर के बाद ड्रामा आया, क्योंकि ड्रामाटिस्ट भी ये दो बहुत बड़े आए ना उस दौर में। ये पहले दो आपके सामने हैं, ये आपके राइट हैंड पे क्रिस्टोफर मार्लो है, और ये लेफ्ट साइड पे जिसका कॉलर ये बड़ा अजीब सा ज़्यादा बड़ा है, ये जॉन विलियम शेक्सपियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आखिरी क्वेश्चन हमारा। चौसर की एज से रिलेटेड ये क्वेश्चन बन सकता है, अक्सर पूछा जाता है। नेम द इम्पोर्टेंट पोएट्स ऑफ द 14th सेंचुरी, यानी चौसर के कंटेम्परेरीज कौन थे, क्या हुआ कि उन बेचारों का इतना नाम बड़ा नहीं बन सका, चौसर का नाम इतना बड़ा बन गया, कैसे पॉसिबल हो गया ये। तो उनको देखते हैं कि कौन कौन से इसके कंटेम्परेरीज थे। अमंग द अदर ग्रेट पोएट्स ऑफ दिस पीरियड वी कैन मैंशन जॉन वाइक्लिफ, जॉन मेंटवाइल गौर, जॉन बारबोर। फर्स्टली जॉन वाइक्लिफ इज़ द मोस्ट पावरफुल इंग्लिश फिगर ऑफ द 14th सेंचुरी। ही मे बी कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, बिकॉज ऑफ हिज ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल। ही इज़ ऑल्सो अ ग्रेट रिफॉर्मर। सेकेंडली जॉन मेंटवाइल रोट इम्पॉर्टेंट बुक ट्रैवल्स, ये उसकी किताब का नाम है, ये नीचे दी भी गई है, विच हैज़ अ डिस्टिंक्ट स्टाइल एंड फ्लेवर एंड शोज द कल्चर एंड क्रेडुअलिटी ऑफ द टाइम। क्रेडुअलिटी कहते हैं जल्दी से किसी बात पर ईमान ले आना, यानी कच्चे ईमान के लोग थे। थर्डली जॉन गौर इज़ द कंटेम्प्रेरी ऑफ चौसर। ही फॉलोज द ग्रेट पोएट स्टाइल विदाउट हिज ह्यूमर एंड हिज ग्रेटेस्ट बुक इज कन्फेसियो एमेंटिस। Finally, John Barbour is a contemporary of Chaucer and is the first of the Scottish poets to claim our attention. His greatest